भारत में जब कोरोना वायरस पहुंचा और लॉकडाउन हुआ, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बंद कर दिए गए, लेकिन अनलॉक वन के दौरान धीरे धीरे मंदिर और मस्जिद खोले जा रहे हैं। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, लेकिन इस महामारी ने लोगों के रहन सहन से लेकर सब कुछ बदल दिया। वहीं लॉकडाउन के बाद धार्मिक स्थलों के खुलने पर लोगों की भक्ति पर भी इसका असर दिखाई दिया। इस बीमारी ने लोगों के लिए अब भक्ति के मायने ही बदल दिए हैं। जहां मंदिरों में रौनक दिखाई देती थी, दुकान सजे होते थे, लोग फूल मालाएं, पूजा का सामान लेकर मंदिर में जाते दिखाई देते थे, वहीं अब लोगों के चेहरे पर मास्क, हाथों में ग्लव्स या सैनिटाइजर की बोतल होती है। इसके साथ ही साथ पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 2 गज की दूरी का पालन किया जाता है और उसके बाद ही लोग मंदिर में प्रवेश पाते हैं। मैं आपको ये भी बता दें कि इस गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। इसका कितना पालन किया जा रहा है, कितना नहीं, इस पर देखिए एबी स्टार न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार ने हमें आदेश दिए हैं, उसी हिसाब से पालन हो रहा है। जैसे कौन कौन से आदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर हाथ में रखे हैं, सैनिटाइजर हाथ साफ कराते हैं। अच्छा। और 5 व्यक्ति से ज़्यादा, मतलब 5 व्यक्ति से ज़्यादा अंदर प्रवेश नहीं कराते, 5 लोगों को करके दर्शन कराते हैं। शासन और प्रशासन और वज़ीर आज़म हिंद और मोहतरम वज़ीर आला की जो हिदायत थी और महकमे सेहत की जो हिदायत थी, उस पर तमाम उलमा ने और मसाजिद के अइम्मा वगैरह ने मुकम्मल उसकी दायित्व की है और उस पर अमल किया है। और यही वजह है कि ईद उल फितर इतना बड़ा हमारा त्यौहार, हम लोगों ने ईदगाह में नमाज न पढ़ के अपने मोहल्ले की मस्जिद में या घरों में नमाज ईद उल फितर अदा की और इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में भी फर्ज नमाजें मस्जिदों के अलावा घरों में अदा करी। वहीं धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। समय समय पर इन स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों में प्रवेश लेने वाले लोगों का भी सैनिटाइजेशन किया जाता है। इसके बाद ही मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में प्रवेश मिलता है। दिक्कतों का तो बहुत सामना करना पड़ा है, मगर फिर भी कोरोना महामारी जो कि पूरे विश्व जनमानस के लिए एक खतरा बन चुकी है, तो उसको जो हमारी सरकार का निर्देश है हमें उसका अनुपालन ही करना जरूरी है और हमने किया भी है। हम कहीं भी किसी तरह से भी मंदिर की तरफ से कोई भी पूरे लॉकडाउन में हमने कहीं भी नहीं गए और हमारे यहाँ मंदिर पर गौशाला भी गाय की व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था भी चरमरा गई और काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। देखिए लॉकडाउन जो है ये भारत सरकार की अपनी एक कोशिश रही है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। ये पहल इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें लोगों के लिए काफ़ी परेशानियां भी रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को खाने पीने की और उनके रोज़गार के ताल्लुक से रही है और इंडिया की इकोनॉमी पर इस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। इसी वजह से अब हालांकि केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो लोगों के लिए कुछ सहूलतें हुई हैं, साथ ही साथ अभी भी कारोबार में दिक्कत है। लॉकडाउन में भाई आम जनता को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है और लोग परेशान तो हैं। अब मेडिकल भी वगैरह भी लोगों को ठीक टाइम पर नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों के अंदर खौफ और हिजास भी है, परेशानियाँ तो हैं। और सबसे ज़्यादा जिस लॉकडाउन में मुसलमानों को परेशानी हुई है तो नमाज की परेशानी सबसे ज़्यादा हुई है, क्योंकि मस्जिदें बंद हुई हैं। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर तो खोले जा रहे हैं, लेकिन मंदिरों में प्रसाद नहीं दिया जा रहा है। मस्जिदों में भी 5 लोग ही नमाज अता कर रहे हैं और गुरुद्वारे में 1-2 लोग ही मत्था टेकते नजर आए। सबसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 23 मार्च लॉकडाउन के लिए पूरे भारत में किसी को आना जाना बंद कर दिया, साथ में हमारे जितने भी कार्यक्रम उनको भी रद्द कर दिया, कोई भी व्यक्ति नहीं आता।
कश्मीर के ही जो लोग हैं अपने वही यहाँ रहते हैं। और अभी जो 5-6 तारीख में गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रति वर्ष बहुत भव्य रूप से मनाया जाता था, उसको भी मैंने स्थगित कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है और जो 3 लोगों की इजाज़त दी गई वही 3 लोग इसमें नमाज अदा कर रहे हैं, बाकी बाहर से आने वाले किसी को मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, जो प्रशासन द्वारा नियम कायदे बताए गए हैं वो सारे कुछ जो है निभाए जा रहे हैं। यानी कि लोगों के सैनिटाइजर से हाथ भी धुलवाए जा रहे होंगे, मास्क भी लगा के आ रहे हैं? मास्क भी लगा के आते हैं सब लोग। लगभग एक बार में कितने लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए प्रवेश किया जाता है? 1-2 लोग आते हैं, कोई ज्यादा नहीं आते हैं। हालांकि कुछ लोग गाइडलाइन का उल्लंघन करते भी नजर आए, लेकिन प्रशासन ने इनके साथ क्या किया ये आप इन दोनों वीडियोस में देखकर खुद ही समझ सकते हैं। पहली वीडियो देखिए जिसमें 2 महिलाएं मंदिर जाने के लिए बिना मास्क के निकली, तो देखिए कैसे इस महिला पुलिसकर्मी ने इन दोनों महिलाओं को वहां से भगा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जहां 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ नमाज अदा करते पाए जाने पर पुलिस ने कैसे इनकी आवभगत की। वैसे ये वीडियो 1 महीने पुराना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की इन्होंने धज्जियां उड़ाई तो पुलिस ने भी इनकी ऐसी खातिरदारी की कि ये लोग भागते नजर आए। बहरहाल एक तरफ सरकार कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार के प्रयासों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोगों की भक्ति के मायने भले ही बदल गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा अर्चना नहीं करना चाहते, बल्कि ये लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं जिसकी वजह से धार्मिक स्थलों में लोग कम जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC स्टार न्यूज़।